गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अशोक कुमार मिश्रा। टुडे गोइंग टू रिवाइज फर्स्ट स्टैंडर्ड फिफ्थ चैप्टर फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। इन दिस चैप्टर आई हैव ऑलरेडी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव। वंस अगेन रिवाइज ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का हमने सब कुछ आपसे ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स जो भी MCQ है ट्रू फॉल्स है सब करा चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी। फिर भी दोबारा एक बार आप लोगों से रिवाइज करा रहे हैं कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स होगा। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज एबाकस एंड सेकेंड डैश इन्वेंटेड द फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर मार्क वन इज हॉर्बर्ट एल्किन एंड Sumit is the world's fastest super computer and first general purpose electronics computer was ENIAC and the analytical engine was invented by the Charles Babbage. Now true false, the UNIVAC was the first computer to handle both numeric and text data is true. Charles Babbage invented the differential engine in 1822 is true. And first generation computer used to transistor is false. And the tabulating machine was invented by J. Prosper Records is the false. And George Boole developed the Boolean logic is true. Now, matching test. Lady Augusta Lovelock, the first programmer, and the second generation computer is transistor, and Blaise Pascal's was the Pascaline's, and third generation computer is integrated circuit, and miracle is invented in 1973. So these are the MCQ matching test. Now MCQ. The era of the first generation computer was 1922-1936 and 1942-1956, 1952-1958, 1942-1956. And second, DAS is an example of the supercomputer. TINHAS-2 is the example of the supercomputer. And third, is used to home, school, shop, office and bank is microcomputer. And punch card was designed by the John Mosley, Herman Hollerith and John von Neumann. The answer of this question is Herman Hollerith. So ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और भी इधर है कि डैश लैंग्वेज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता था? पहला है ऑप्शन कोबोल, दूसरा है मैसिन, तीसरा है RDBMS। तो इसका सही जवाब है मैसिन। उसके बाद है आंसर इन वन वर्ड, सॉरी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। जो अब एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए अभी हम आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स का हो, ट्रू फॉल्स का हो, MCQ का है, इसी को रिवाइज करा रहे हैं। आज हमने पहला चैप्टर का रिवाइज कराया है, कल अगला दिन सेकंड चैप्टर रिवाइज कराएंगे, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ये नवंबर में ही होने वाला है। इसके लिए आप अपना तैयारी करेंगे, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।